हम सभी ने यह तय किया कि सदन में एक वॉइस में एक होकर जो आज करोड़ों लोगों का पैसा LIC में है, एक जिसको बहुत सी रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है और सभी लोग उसमें करोड़ों लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पॉलिसी देते हैं, बच्चों के पढ़ाई के साथ वो लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं, तो ऐसे करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद हो गया। और दूसरी तरफ जो बैंक है SBI और दूसरे नेशनलाइज बैंक हो, उसमें भी गरीब लोग अपना पैसा रखते हैं और उस वो पैसा भी आज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चंद कंपनियों को दिया जा रहा है। और उस कंपनी के बारे में इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जो बाहर आई यूएसटी कंपनी एक एडनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने बाहर निकाला है। अब जब निकालते ही देश के अंदर जितने भी ये जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छाया वहीं गिर सुन गई। ऐसी स्थिति देश का ये सरकार ने बना के रखा है और ये कौन कंपनी के मालिक है आपको तो मालूम है। और बार बार हम एक व्यक्ति के बुक में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए हित में हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC SBI दूसरे बैंक जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है दिए हैं इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे, उसका प्रोग्रेस क्या है और किस ढंग से इंक्वायरी चल रही इसका एक ट्रांसपेरेंसी उसमें आती है और लोगों को भी मालूम होता है कि उनके पैसा उनका इन्वेस्टमेंट और उनके जो कमाई कहाँ गई, कहाँ तक रही, कहाँ तक बच गई, इसका भी उनको एक विश्वास मिलता है। नहीं तो सारे लोगों का इस देश के जो भी जितने भी करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स हैं या बैंक में डिपॉजिट रखने वाले उनका विश्वास बैंकों में से उड़ जाता है, LIC से उड़ जाता है। तो इसीलिए लोगों के हित में हम ये काम कर रहे हैं और हमारा डिमांड यही है चर्चा करा और हमारी मांग ये है कि या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ और इसकी इंक्वायरी या नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में कमेटी बनाकर इसको इंक्वायरी कराइए और डे टू डे रिपोर्ट बाहर करते सकते, यही हमारा डिमांड है। इसीलिए हम आशा है और सारे पार्टी के नेता लोग भी हमारे साथ है, एक मिनट अपनी बात रखेंगे आप उनका भी जरा साथ से तो सहनशीलता है, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसकी बात। थैंक यू रामगोपाल यादव जी। देखिए हम सारे लोग कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और LOP महोदय की बात से सहमत हैं कि इतने बड़े घोटाले पे, इतने बड़े महाघोटाले पे मोदी जी की सरकार खामोश क्यों है। मोदी जी की सरकार खामोश इसलिए है कि ये जो महाघोटाला किया है उस व्यक्ति का नाम है अडानी, जो नरेंद्र मोदी जी का सबसे करीबी मित्र है, जिसके हवाई जहाज में प्रधानमंत्री घूमते हैं, जिसके पैसे से भारतीय जनता पार्टी चलती है, वो भारतीय जनता पार्टी का खजांची है। अडानी विदेशों में फर्जी कंपनियां बनाता है, हजारों करोड़ रुपए के शेयर खरीदता है अपनी ही कंपनी के, अपने ही शेयर को ओवर वैल्यू करता है और लाखों करोड़ रुपए का कर्जा बैंकों से ले लेता है। आज LIC, SBI
और LIC SBI जैसे तमाम और बैंकों में जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में लगा रखा है, वहां जिन लोगों ने अपना पैसा जमा किया, बेटी की शादी के लिए LIC में पैसा जमा किया, छोटा सा घर बनवाने के लिए पैसा जमा किया, बीमारी के लिए पैसा जमा किया, पेंशन के लिए पैसा जमा किया, आज वो सारे लोग चिंतित हैं, परेशान हैं कि आज LIC डूब रही है, SBI डूब रही है, लोगों का पैसा डूब रहा है, लेकिन मोदी जी चैन से सो रहे हैं। अमृतकाल में ये महाघोटाला है और इस महाघोटाले पे सदन में चर्चा कराओ, सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटर्ड इसकी पूरी जांच कराओ और JPC बनाओ। इस डिमांड के साथ हम लोग पार्लियामेंट में अपनी आवाज आज भी उठाए हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। ये कोई छोटा मामला नहीं है, देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है।